सावन का महीना भोले बाबा का, और शिव जी की जटा में गंगा जी की धारा और फिर पृथ्वी पर बही रहे, और उसी से नाम है गंगा राज एक प्रेम कथा, जिसकी शुभ शुरुआत आज सावन के सोमवार का दिन है। शुरुआत क्या कहना चाहिए जी? पहले आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, मैं विमल पांडे आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज लखनऊ में अपनी नई फिल्म की मुहूर्त के साथ आज शूटिंग शुरू किए हैं, जिसका नाम है गंगाराज एक प्रेम कथा। ये एक बड़ी ही प्यारी, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी एक प्रेम कथा है, जिसके निर्माता हमारे आदरणीय चोपड़ा सर हैं, जिसके निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं। हमारे बगल में बैठी हुई हैं मैम अनिता सहगल जी, तो और मोस्ट सीनियर कलाकार हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ अन्य आर्टिस्टों में हमारी को एक्ट्रेस हैं पल्लवी गिरी जी, बालेश्वर भैया हैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, सीपी भट्ट साहब हैं, ऐसे बहुत सारे साथी कलाकार हैं हमारे, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अखिलेश पांडे जी। बाकी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जो ये नाम है जी गंगा राज, आप देखिए कहानी इतनी अच्छी है, हम नहीं चाहते कि कहानी के व्यू को हम बता के अभी अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। एक प्रेम कथा है जैसा कि टाइटल में बताया गया है, तो आप ये मान के चलिए दिस इज ए सोशल फैमिली ड्रामा, दिस इज ट्रू लव स्टोरी, ट्रू लव स्टोरी, यस, समाज के लिए एक मैसेज है। हाँ, एक उसके बाद भी एक प्रेम कहानी में, एक प्रेम कथा में एक समाज को सोशल मैसेज ड्रॉप हो रहा है, जो फिल्म के माध्यम से मैसेज ड्रॉप हो रहा है कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को, उन बंधनों को आप आयाम बना के उसको नुकसान ना करें, समाज में गलत उपदेश, गलत मैसेज ना ड्रॉप करें, इसको देखते हुए एक बड़ी अच्छा सोशल मैसेज ड्रॉप हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो उद्देश्य यही है कि भाई अभी इस उम्र में आके कुछ समाज के लिए बेटर से बेटर किया जा सके, क्योंकि सारी उम्र तो हम अपने हिंदुस्तान से, भारत से मांगते ही रहे हैं, उम्मीद ही करते रहे हैं, लेकिन आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें समाज को देने की भी मंशा रखनी चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी उद्देश्य से मैंने कहा एक सोशल मैसेज ड्रॉप किया जाए। और उसमें एक हमारे विमल जी ने बहुत ही अच्छा करेक्टर एज ए हीरो कर रहे हैं, और मैडम अनिता सहगल जी वेरी नाइस ऑफ है कि उन्होंने हमारे साथ काम करना पसंद किया, यानी कि हमें अचानक ही उनका ध्यान आया, तो वेरी शॉर्ट नोटिस पे अनिता जी ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी रिक्वेस्ट, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देगी सोसाइटी को, और समाज में आजकल जितने भी ये कुरीतियाँ आ रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, उन सब को हम चाहते हैं कि समाज से बाहर निकाला जाए और अच्छा मैसेज देकर एक अच्छी लव स्टोरी प्रेजेंट की जाए, तो हमारी कोशिश है। बाकी ऊपर सहयोग तो परमात्मा का पहले और पब्लिक का, जनता का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे अनिता जी बैठी हैं, इंटरनेशनल लेवल की एंकर हैं और एक्ट्रेस हैं, शी नोज बेटर की हाउ टू डील विद द प्रेस। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, डॉक्टर अनिता सहगल वसुंधरा का सावन के अंतिम सोमवार की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ। हमारी ये फिल्म गंगाराज एक प्रेम का, जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है, बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी दमदार सशक्त हमारी ये प्रेम कथा है जो पूरी तरह से हमारी महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करती है। और इसमें जो एक मोरल है, जब हमारी ये फिल्म आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप अपनी कुर्सियों से बंधे रहेंगे सिर्फ इसी सस्पेंस के साथ कि ये गंगा राज एक प्रेम कथा कहाँ पहुँच रही है, इसका क्या अंत होगा। लेकिन वो अंत जो कि हमारे समाज में उन महिलाओं को अपने तरह से एक मुकाम, एक मंजिल, एक रास्ता और एक आशा की किरण दिखाने वाली ये फिल्म होगी, जिसमें कि हमारी वो सभी महिलाएं जो आज इस समाज में
दूसरी नज़र से देखी जाती हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें शक्ति मिलेगी, उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर होना होगा। और इसी फिल्म के माध्यम से हम यही देखेंगे और यही चाहेंगे और यही में हमारा विश्वास होगा कि आने वाले समय में समाज की एक बहुत ही दमदार प्रेम कथा हमारे बीच में होगी, आपके बीच में होगी, और हमारा समाज हमारी उन महिलाओं को आपके सामने लाएगा, वो भी अपनी आवाज़ आप तक उठा पाए। सर, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इस फिल्म को बार बार देखा जाए, एक बार नहीं बार बार देखा जाए और उससे सीखा जाए कि हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मुकाम आए तो हम अपने निश्चय पे अडिग रहे और ऐसे कामों में योगदान दें। जहाँ पे शूटिंग हो रही है, जिनका मकान है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारे लिए तो जिसे कहते हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हो कि इतने शॉर्ट नोटिस में हमें अच्छी लोकेशंस मिल गई और बिल्कुल मतलब हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही शांत माहौल में एक गांव के एक लोकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं मिल रही। हम बहुत शांत तरीके से फिल्म को बना रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के गाँव के लोगों का और सबसे पहले इस बंगले के मालिक का, जो हमारे एक सीनियर सिटीजन हैं और उन्होंने हमें जी भर के प्यार से यहाँ पर एक काम करने की अनुमति दी है। उनका नाम और उनका क्या? अब आप कट कर दीजिए, कोई मुझे नाम